बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज का हमारा टॉपिक एडजेक्टिव्स है एडजेक्टिव होता क्या है एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड ऑफ अ नाउन आर प्रोनाउन एडजेक्टिव्स आर यूजली पोजिशन बिफोर अ नाउन आर प्रोनाउन डेट दे वर्ड्स लाइक स्मॉल ब्लू शार्प इंटरेस्टिंग आर एडजेक्टिव्स एग्जाम्पल में देखें इट इज़ अ शार्प रेजर तो रेजर से पहले जो शार्प कवर्ड है ये एडजेक्टिव कहलाएगा जो रेजर यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव्स ऑफ़ क्वालिटी द एडजेक्टिव्स डेट रेफर्स टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन इज नाउन नोन एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यानी इट टेल्स अबाउट द कलर शेप साइज आर कंडीशन ऑफ नाउन अब इसमें मैंने आपको समझाने के लिए कलर एडजेक्टिव्स बयान किए हैं साइजेस का इस्तेमाल एडजेक्टिव्स के तौर पे बयान किया है शेप्स का इस्तेमाल बयान किया है क्वालिटीज़ एज एडजेक्टिव्स बयान किए हैं तो ये आप इसकी एग्जांपल्स के साथ मैंने इसको बयान कर दिया है तो जब आप वीडियो देखेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ़ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव डिटेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन ये क्वांटिटी को शो करता है दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल में देखें आई डोंट हैव मच मनी लेफ्ट इस सेंटेंस में मच जो है ये एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है यानी ये मनी जो है जो रकम है उसकी क्वांटिटी को जो है ये शो कर रहा है और नाउन से पहले जैसे मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव्स नाउन से पहले आते हैं तो मच एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के तौर पे यूज हुआ है यानी मनी नाउन है तो नाउन से पहले मच एडजेक्टिव है नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर जैसा कि नंबर नंबर है ऑफ जैसे हाउ मैनी क्वेश्चन का जवाब देता है कि हाउ मैनी देर आर फाइव बर्ड्स इन नेस्ट इसका मतलब ये है कि फाइव फाइव हाउ मैनी मतलब फाइव इसी तरह से ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट नी कितने लोग वहाँ प्रेजेंट्स तो ये आल फाइव ये चीज़ें एडजेक्टि ऑफ नंबर हैं जो गिनती को या नाकबले गिनती चीज़ों को शो करते हैं लेकिन कोई ना कोई नंबर होता है इसको हम आगे मज़ीद बयान करेंगे कि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिवस क्या होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर फर्दर डिडेड इंटू थ्री काइंड ए है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव डेफिनेट डेफिनेटर एडजेक्टिव शोज एग्जैक्ट नंबर यानी ये आपको फिक्स तादाद बताता है अब इसमें भी आगे कॉर्डिनल्स और ऑर्डिनल्स होते हैं कॉर्डिनल्स शो हाउ मैनी मतलब वन टू थ्री और ऑर्डिनल ऑर्डर को शो करते हैं ऑर्डर ऑफ थिंग्स जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो यहाँ पर हमने एडजेक्टिव और नंबर की फर्स्ट काइंड डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को डिस्कस किया नेक्स्ट है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आई गिव और जनरल इंफॉर्मेशन इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव डू नॉट गिव एग्जैक्ट नंबर यानी कि इसमें तादाद फिक्स नहीं होती मैनी बॉयज आर प्लेइंग मैनी कोई तादाद कन्फर्म नहीं है डिड यू लाइक सम एप्पल सम कितने तो ये एडजेक्टिव्स जो हैं ये न्यूमरल एडजेक्टिडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें कोई फिक्स तादाद जो है एग्जैक्ट नहीं बताई जाती तो ये इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स की एग्जाम्पल हैं नेक्स्ट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है तकसीम करने वाला डिस्ट्रीब्यूटि न्यूमरल रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर इसमें कुछ वर्ड्स जो हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है एग्जाम्पल में आप इन्हें देख सकेंगे जैसे ईच बॉय रोट आ स्टोरी एवरी वर्ड वाज नाट लिजिबल तो यहाँ पर ईच और एवरी के ऐसे वर्ड्स हैं जो तकसीम कर रहे हैं एडजेक्टिव्स को नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स तो ये एडजेक्टिव्स को तकसीम कर रहे हैं ईच और एवरी तो आगे हम चलेंगे तो पोजेसिव एडजेक्टिव ये जो काइंड है पोजेसिव मीन्स पोजेशन ये आपकी ऑनरशिप या पोजेशन को शो करते हैं एड पोजेसिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन टू होम इट बिलोंग्स टू इट आंसर द क्वेश्चन हुज मतलब ये जो भी कोई चीज़ है ये किस से बिलोंग करती है किसकी मलकियत है जैसे इट इज़ माई बुक दिस इज योर शर्ट तो यहां पर माई और योर को मैंने बोल्ड कर दिया है तो ये जो बोल्ड वर्ड्स हैं ये पुजेजि ऑबजेक्टिव हैं जो किसी भी चीज की मलकियत को जाहिर करते हैं उन्हें पुजैसिव ऑडेक्टिव बोलते हैं डिमॉन्सट्रेटिव ऑब्जेक्टिव आंसर द क्वेश्चन विच डिमांट करते हैं ये इशारा करते हैं इन्हें हम बोलते हैं इशारा इसमें सिर्फ इशारा दिस दीज डेट दोज एंड वट आंसर द क्वेश्चन विच ये वाले अल्फाज विच का जवाब देते हैं दिस बुक इज़ माइंड डैट हाउस इज़ यर्स तो यहाँ पर दिस जो है ये करीब की चीज़ों की तरफ इशारा करता है क्योंकि नाउन से पहले आ गया है तो ये डिमॉन्सट्रेटिव ऑडजेक्टिव है इसी तरह हाउस से पहले डैट आ गया है तो अब ये डिमॉन्सट्रेटिव ऑडजेक्टिव है और दूर की चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस क्वेश्चन ये वो चीजें होती हैं जो सवाल के लिए यूज होती हैं वर्ड्स लाइक व्हाट विच एंड हुज आर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स ये जो डब्ल्यू एच फैमिली के कुछ वर्ड्स हैं जैसे व्हाट है विच है ये सवाल के लिए यूज होते हैं व्हाट कलर यू लाइक मोस्ट विच न्यूज यू थिंक ट्रू तो इसमें जो बोल्ड वर्ड्स दिए गए हैं ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हैं लेकिन क्योंकि अब ये नाउन से पहले आ गए हैं तो लिहाजा ये इंट्रोगेटिव प्रो एडजेक्टिव्स हैं नेक्स्ट है डिटर्मिनर्स डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट कम बिफोर अ नाउन टू शो विच पर्सन आर थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनर्स आपको बताते हैं कि आप किस चीज़ के बारे में या किस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं इसमें अगर आप देखें ए एन द सेवरल इनफ एनी ये चीज़ें जो हैं ये डिटर्मिनर्स होती हैं आप एग्जाम्पल्स में देखें आई हैव अ रेड बुक तो यहाँ पर आ जो है वो डिटर्मिनर है शी डज ना डजेंट नीड एनी मनी तो मनी से पहले एनी आ गया तो ये जो है ये डिटर्मिनर्स कहलाते हैं नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ ऑडजेक्टिव इन अ सेंटेंस अगर किसी सेंटेंस में काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स आ जाएं, तो उनका सीक्वेंस क्या होगा हम इसके लिए एक फार्मूला हमने बनाया है निमोनिक है ऑस्का कॉम डेट स्टैंड फॉर ओ फॉर ओपिनियन एस फॉर साइज क्यू फार क्वान्टिटी और क्वालिटी ए फार एज सी फार कलर ओ फार ओरिजन और एम फार मेटेरियल इट वॉज अ नाइस लार्ज फेमस ओल्ड रेड इंडियन स्टील पेन बोल्ड वर्ड्स आर ऑस्का कम सीक्वेंस इन अ सेंटेंस आप इससे बेहतर समझ सकते हैं नेक्स्ट है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ एड्जेक्टिव क्या होती हैं इनको हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में पॉजिटिव कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं कुछ रेगुलर एड्जेक्टिव होते हैं अगर उनमें वन सिलेबल हो वन वावल इन पॉजिटिव डिग्री हो तो हम उसके सेकेंड डिग्री में ई ER आर और थर्ड में ई एस टी लगाते हैं एग्जाम्पल्स आपके समझने के लिए मौजूद हैं अगर किसी सेंटेंस वर्ड में जो है वो टू सिलेबल्स हों पॉजिटिव डिग्री हो तो हम उसके साथ मोर या मोस्ट लगाते हैं कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए नीचे एग्जैम्पल्स मौजूद हैं आप अच्छी तरह से इनको समझ सकते हैं उसके बाद है इ एडजेक्टिव्स व्हेन द कम्पेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर मेड Without positive degree of an adjective, this type of adjectives will be called irregular adjectives. मिसाल के तौर तो पे देखें जैसे गुड है तो इसकी बेटर और बेस्ट लिटल है तो इसकी लेस और लीस्ट मच है तो इसकी मोर और मोस्ट तो ये इेगुलर एडजेक्टिव्स हैं जो रूटीन में हट के जो है रूटीन से हट के जो है ये एडजेक्टिव्स की डिग्रीज़ को बनाते हैं तो ये था आज का हमारा टॉपिक एडजेक्टिव्स और उसकी काइंड्स के मुतलक आप यकीनन एग्जांपल्स के ज़रिए इसको समझ पाएंगे